बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्पाइसी सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। चलिए जी इसे झटपट से बनाना स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अच्छा जी, इसके लिए मैंने एक पैन में मैंने लिया था 2 टेबल स्पून के करीब घी। घी का टेस्ट चिकन में बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा जी, और 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल ले लिया था। दोनों जैसे ही अच्छे से गर्म हो गए थे, मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले डाल दिए थे। 1 बादिया का फूल, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 छोटी इलायची, और 7 जीरा मैंने लिया था 1/2 टीस्पून, और सफ़ेद वाला जीरा लिया था मैंने 1 टीस्पून। अच्छा जी, इसके बाद मैंने 200 ग्राम के करीब चिकन ली थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और इसको अच्छे से ऑयल में भुनाई कर लूँगी मैं। उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के लिया था। और इसके बाद मैं कुछ पाउडर मसाले भी ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लूंगी ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए इसका। अब इसमें मैं पाउडर मसाले ऐड कर दूंगी। ये बहुत झटपट से बन जाती है। यहाँ 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया था, 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने धनिया पाउडर लिया था, और मैंने होममेड गरम मसाला पाउडर लिया था 1 टीस्पून पूरा भर के। इसको अच्छे से चलाते हुए इसकी भुनाई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब। उससे इसका कलर भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये मैंने एवरेस्ट का कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है 1 टेबल स्पून के करीब। और मैं सॉल्ट डाल दूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दीजिए। और मैंने 2 टमाटर और 3 से 4 काजू की एक पेस्ट बना ली थी, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ज़्यादा मेहनत वाली डिश नहीं है ये, बहुत झटपट से बनने वाली है। अच्छा जी, ये पेस्ट को भी मैंने उसमें ऐड कर दिया है। मैंने सिर्फ 3 से 4 ही काजू लिए थे और 2 टमाटर लिए थे। और इसकी भी अच्छे से भुनाई कर लूँगी मैं। और इसके बाद मैं इसमें मैंने 2 प्याज का बिरस्ता किया था, उसको अच्छे से चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और मिक्सी के जार में मैंने टमाटर पीसे थे, उसमें ही थोड़ा से पानी डालूँगी और वो इसमें ऐड कर दूँगी। 1 कप के करीब पानी डाला था मैंने। अब ये सब चीज़ों की अच्छे से भुनाई करूँगी, जब तक इसका तेल और घी बाहर नहीं आ जाता वहाँ तक मैं इसकी भुनाई करूँगी। इसको भुनना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं डालूँगी कसूरी मेथी। ये मैं डीमार्ट से इसका पैकेट लेके आई थी और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी, वो तो मैंने थोड़ी सी चुटकी भर डाल दी। और हरी मिर्च डाल दी थी 3 से 4, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। कुछ धनिए के पत्ते चॉप करके डाल दिए हैं। अब मैं इसे डिस आउट कर दूँगी। आपको मेरी स्पाइसी चिकन कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक दीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।